हेलो फ्रेंड्स, नो एरर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ब को कैसे पहचानें। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी नाउन को पहचानने की, एडजेक्टिव को पहचानने की। अगर उनसे संबंधित अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज बात करते हैं हम वर्ब की पहचान की। देखें दोस्तों, अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको ATE मिल जाता है तो वह शब्द अपने आप में वर्ब बनाता है। देखें, यहां पर मैंने लिखा assassinate, ये वर्ड देखें दोस्तों, assassinate लिखा है, इसके लास्ट में ATE आ रहा है। assassinate का मतलब होता है हत्या करना। दूसरा वर्ड देख सकते हैं हम, मैंने यहां लिखा investigate, इसके लास्ट में भी ATE आ रहा है। investigate का मतलब होता है investigation करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है दोस्तों, यहां एक चीज ध्यान रखें, यहां पर स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब यह वर्ड वर्ब के अलावा कोई और भी हो सकते हैं अगर लास्ट में ATE आ जाए तो। ठीक है, बात करते हैं यहां पर ED की। ED अगर किसी वर्ड के लास्ट में होता है तो वह वर्ब बनता है। जैसे देखें टायर्ड, यहां देखें सेलेक्टेड, यहां देखें सेटिस्फाइड, ये सारे वर्ड्स अपने आप में वर्ब बनाते हैं। देखें दोस्तों, जिस प्रकार से स्टार यहां लगा हुआ था, एक स्टार आपको यहां पर मिला, इसका मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स वर्ब तो हैं लेकिन इसके साथ साथ किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये वर्ड्स हैं अपने आप में एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। ईडी लगने से वर्ब तो है, इसके साथ साथ एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे देखें यहां पर कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पहचानने के लिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा ही हैज completed his task. He has completed his task. देखें दोस्तों, यहां पर जो completed है वो verb की third form का काम कर रहा है। दूसरा example देखें दोस्तों, मैंने यहां लिखा a completed task. यहां कंप्लीटेड बता रहा है कि उसने एक टास्क को कंप्लीट किया है, जबकि यहां देखें दोस्तों एक कंप्लीटेड टास्क, यहां पर कंप्लीटेड बता रहा है कि टास्क कंप्लीट किया जा चुका है। मतलब यहां कंप्लीटेड टास्क से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, जबकि दोनों ही वर्ड्स के लास्ट में आपको ईडी मिला। यहां पर यह वर्ब है लेकिन यहां पर यह एक एडजेक्टिव है। जैसे देखें दूसरा, ही हैज सेलेक्टेड ए बुक, यहां देखें दोस्तों ही हैज सेलेक्टेड अ बुक, सेलेक्ट किया है उसने एक बुक को, इसका मतलब यहां सेलेक्टेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखें, यहां पर मैंने लिखा है दोस्तों ए सेलेक्टेड बुक। अब इस केस में देखें दोस्तों, दोनों जगह एक ही वर्ड है, एक जगह ये वर्ड जो है वर्ब का काम कर रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में ये जो वर्ड है अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ए सेलेक्टेड बुक का मतलब हो गया एक चयनित बुक, एक चयनित किताब। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, स्टार लग रहा है इसका मतलब ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। ईएन लगे, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ईएन मिल जाता है तो वो भी क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे देखें दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा ब्रोकन, दूसरा मैंने लिखा दोस्तों स्पोकन, ये दोनों वर्ड अपने आप में वर्ब हैं। चूंकि यहां पर भी स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ईएन लगने से ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। जैसे देखें, ही हैज ब्रोकन द डोर, यहां देखें दोस्तों ब्रोकन एक वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखें, ए ब्रोकन डोर, एक टूटा हुआ दरवाजा। यहां देखें दोस्तों, ब्रोकन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बात करते हैं दोस्तों अब हम आई एफ वाई की बात, कि अगर किसी शब्द के लास्ट में आई एफ वाई मिल जाता है तो वो वर्ड अपने आप में वर्ब होता है। देखें, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई एक क्रिया है, एक वर्ब है। इसके अलावा मैंने दूसरा वर्ड लिख दिया यहां पर क्वालिफाई, क्वालिफाई अपने आप में एक वर्ब है।
दोस्तों यहां बात कर रहे हैं हम आईएनजी की, अगर किसी शब्द के लास्ट में आईएनजी आ जाता है तो वो भी अपने आप में वर्ब बनाएगा। जैसे देखें यहां पर मैंने लिखा टीचिंग, आईएनजी आया। यहां पर मैंने लिखा एनोइंग, आईएनजी आया। देखें दोस्तों स्टार यहां अगेन लग रहा है, इसका मतलब ये वर्ब के अलावा और कुछ भी हो सकता है। देखें क्या हो सकता है, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा यहां पर ही इज एनोइंग हिज ब्रदर, ही इज एनोइंग हिज ब्रदर। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि वह अपने ब्रदर को एनोय कर रहा है, परेशान कर रहा है, नाराज कर रहा है। यहां एनोइंग वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखें, एन एनोइंग बॉय। इस सेंटेंस में देखें दोस्तों एनोइंग फिर से है, यहां पर ये एनोइंग जो है वो बॉय की विशेषता बताता है, बता रहा है और बता रहा है कि वो लड़का कैसा है। एनोइंग मतलब एनोय करने वाला, नाराज करने वाला। बात करते हैं दोस्तों हम आईएसएच की, अगर किसी शब्द के लास्ट में आई एस एस एच मिल जाता है तो अपने आप में वो वर्ब बनाता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर पब्लिश, अपने आप में वर्ब है। मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा नरिश, नरिश अपने आप में एक वर्ब है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अगर किसी शब्द के लास्ट में हमें आई जेड ई मिल जाता है, आई जेड ई मिल जाता है तो वो शब्द भी अपने आप में वर्ब ही बनाता है। जैसे देखें यहां पर मैंने लिखा क्रिटिसाइज, मैंने लिखा सिविलाइज। देखें तो इस तरीके से दोस्तों हम ध्यान रख सकते हैं कुछ सफिक्सेस का जो कि अपने आप में वर्ब बनाते हैं। ये तो थी हमारे पास ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर वन, जिनसे हम क्या कर रहे हैं एक वर्ब को पहचानते हैं। अब बात करेंगे ट्रिक नंबर टू की, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती है दोस्तों कि हम इन सफिक्सेस को याद नहीं रख पाते हैं, तो वहां ये ट्रिक नंबर टू है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। देखें देखें दोस्तों ट्रिक नंबर टू क्या है हमारे पास, अगर वर्ड के लास्ट में आई एन जी ई डी लगाकर देखें और अगर कोई वर्ड सही से साउंड करता है तो वो वर्ड अपने आप में एक क्रिया हो सकता है। चेक करें दोस्तों यहां पर कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट के लास्ट में आप ई डी आई एन जी लगाकर देखें, जैसे मैंने सेलेक्ट लिखा और उसके लास्ट में ई डी लगाया तो मेरे पास एक वर्ड आ गया सेलेक्टेड। अब देखिए दोस्तों इसको बोलकर देखेंगे सेलेक्टेड, इसका मतलब ये बोलते समय भी अच्छा साउंड कर रहा है, तो ये सेलेक्टेड वर्ड अपने आप में एक वर्ब है और जो सेलेक्ट वर्ब जो वर्ड है वो भी अपने आप में एक वर्ब हो गया। आईएनजी लगाकर भी हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे देखें सेलेक्ट प्लस आईएनजी सेलेक्टिंग, ये वर्ड भी बोलते समय अच्छा साउंड कर रहा है तो ये वर्ड भी अपने आप में सेलेक्ट वर्ड अपने आप में वर्ब बन गया है। और कोई एग्जांपल लें दोस्तों, जैसे मैंने लिखा यहां पर एक वर्ड इमेजिनेशन, सपोज इसके लास्ट में मैं आईएनजी या ईडी लगाकर देखता हूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। आईएनजी जैसे लगाया तो एक नया वर्ड बनने की कोशिश कर रहा है इमेजिनेशनिंग, इमेजिनेशनिंग। इस तरीके का वर्ड सुनने में अच्छा फील नहीं हो रहा, मतलब साउंड अच्छा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये जो इमेजिनेशन वर्ड है ये अपने आप में वर्ब नहीं है। और कोई वर्ड ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया अवेयरनेस, मैंने वर्ड लिखा अवेयरनेस, इसके लास्ट में ईडी या आईएनजी लगाकर देखें, जैसे सपोज मैंने ईडी लगाया तो अवेयरनेस, कुछ इस तरीके का वर्ड बोलते हुए समय हमें मिल रहा है जो कि अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो अवेयरनेस जो वर्ड मैंने लिया है वो अपने आप में एक वर्ब नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों हम पहचान सकते हैं किसी भी वर्ब को, किसी भी शब्द के लास्ट में हम
ईडी या डी, आईएनजी या एनजी लगाकर देखें। अगर वो शब्द बोलते समय अच्छा साउंड कर रहा है तो हो सकता है कि वो एक वर्ब हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा ट्रिक नंबर टू को। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब को तीसरे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। यह बात करेंगे ट्रिक नंबर थ्री की। ट्रिक नंबर थ्री क्या कहती है? देखिए दोस्तों वर्ब के केस में एक चीज का ध्यान रखना है कि 80% जो वर्ब होती है वो काम के करने को बताती है। कहने का मतलब कोई भी वर्ड लें उसके लास्ट में आप करना लगाकर देखें। 20% वर्ब जो होती है वो काम के होने को बताते हैं। कहने का मतलब उन वर्ड के लास्ट में आप होना लगाकर देखें तो हमें पता लग जाएगा कि वो एक वर्ब है या नहीं। जैसे यहां पर देखें, मैंने एक वर्ड लिखा क्रिएट। अब देखें दोस्तों क्रिएट, आप इसको इस तरीके से बोलकर देखें, क्रिएट करना, क्रिएट करना। अब देखें ये क्रिएट यहां पर क्या हो गया, अपने आप में वर्ब हो गया। अब देखें होना का कैसे अर्थ देता है। जैसे सपोज मैंने एक वर्ड लिखा और मैंने लिखा हैपन, हैपन अब करना नहीं होगा, हैपन करना, हैपन होना। तो देखें ये दोनों ही वर्ड अपने आप में क्या हो गए, वर्ब हो गए। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं करना या होना का जो अर्थ दे रहा है या नहीं दे रहा है? जैसे देखें मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा और वो लिखा, वर्ड कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने लिखा हार्मफुल। सपोज मैंने लिखा हार्मफुल, तो अब हार्मफुल के साथ करना या होना का अर्थ मैच करके देखें आप। हार्मफुल करना, हार्मफुल होना मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हार्मफुल जो है वो अपने आप में वर्ब नहीं है। हाँ अगर मैं ये बोलता हार्म, अब देखें इसके साथ मैच होगा हार्म करना। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज देखा कि वर्ब को हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नो एरर इंग्लिश क्लासेस से जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।